हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रियली चाहते हैं कि आप जॉब ना करके कोई बिजनेस शुरू करें या फिर कोई ऐसा काम करें अपने खुद का जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकें, तो भारत सरकार की तरफ से एक नई पहल, नई योजना निकली हुई है जिसके अंदर आप सूर्य मित्र बनकर के हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि क्या कुछ प्रोसेस रहता है, किस तरह से आप फॉर्म भर के अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे, इसके अलावा कितनी कमाई बैठ जाती है, एवरेज एस्टिमेटेड कितना टाइम लगता है इसको सीखने में, लर्निंग करने में, तो सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको आज मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाइए, क्योंकि आधा अधूरा देखोगे और फिर आपके समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। दोस्तों, ये मनी भास्कर की तरफ से जो आर्टिकल लगाया गया है बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और मैं यहीं से आपको कुछ प्रोसेस जो बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज समझा दूंगा कि आने वाले दिनों में भारत में सोलर सेक्टर का तेजी से ग्रोथ होगा और इस सेक्टर में जॉब और बिजनेस की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सरकार ने पिछले साल देश में 50,000 युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग देकर उन्हें सूर्य मित्र बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन इसमें से लगभग 18,000 सूर्य मित्र बन चुके हैं। अब सरकार ने साल 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE ने सूर्य मित्र की ट्रेनिंग देने के लिए एजेंसी को इनवाइट किया है, और मिनिस्ट्री के मुताबिक 27 अप्रैल तक ट्रेनिंग एजेंसी को इनवेंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे और मई से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। क्या है सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? सोलर सेक्टर को स्किल वर्क्ड फोर्स उपलब्ध कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्पॉन्सरशिप में सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि NISE ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके लिए NISE द्वारा हर साल देश भर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अधिकृत किया जाता है जो इस पूरे कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं। अब इस काम को शुरू करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता होनी चाहिए और किस तरह से आप इसके लिए फॉर्म भर के शुरुआत कर सकते हैं, कैसे कुछ ट्रेनिंग होगी, मैं आपको आगे की चीजें बता देता हूं। इससे पहले, अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही रोजगार संबंधित और भारत सरकार की तरफ से आने वाली नई स्कीमों के रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया गया है फटाफट से इस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएं और हर एक काम की खबर से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले जानते रहते हैं DLS माइंड क्विज क्वेश्चंस, तो आज का जो आपका माइंड क्विज क्वेश्चंस वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों, कि ताजमहल कहां स्थित है, एक जाना माना तीर्थ स्थल है, तो ये कहां कौन से शहर में स्थित है। तो जल्दी से आपको इसका आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालना है और बन जाना है टॉप विनर, क्योंकि जो सही जवाब देने वाले रैंडम सिलेक्टेड बंदे हैं उनको मिलेगा DLS न्यूज की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। तो जल्दी से लिख डालिए ताजमहल कहां स्थित है। अब मैं आपको बताते हूं कि इसके बारे में कितने दिन का होगा ये प्रोग्राम। तो ये पूरी तरह से फ्री रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां रहना खाना भी फ्री होगा। ये 600 घंटे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। ट्रेनिंग के बाद आवेदकों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। अंत में NISE की ओर से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। क्या होगा फायदा? ट्रेनिंग लेने के बाद युवा अपना खुद का सोलर बिजनेस शुरू कर पाएंगे, सरकार का सोलर चैनल पार्टनर भी बन सकते हैं, और युवाओं को सोलर सिस्टम के मेंटेनेंस, ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे में देश में सोलर प्लांट लगा रही व पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रही देसी विदेशी कंपनियों में आप जॉब भी कर पाएंगे। कैसे करें अप्लाई? सूर्य मित्र बनने के लिए आवेदकों को NISE द्वारा अधिकृत किए गए स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आवेदन करना होगा। इसकी लिस्ट जल्द ही NRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये जो NRI की वेबसाइट है दोस्तों, ये अप्रैल मंथ के अंदर ऑलमोस्ट ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि रिलीज कर दे, और मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अपडेट करवा दूं। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो 18 साल आपकी उम्र मिनिमम होना कंपलसरी मानी गई है, और यदि आप 10वीं पास है और इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फीटर, सिटल मेटल में ITI किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की डिटेल मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। जब ये लिस्ट ऑफिशियली अपलोड हो जाएगी तो आप पास वाले सेंटर में जाके अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको मिल गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, और DLS माइंड क्विज क्वेश्चन के जवाब देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।